मैं किन्ने प्रपोजल मोड़ते, बस एक एदे करके, ये मेरा प्रपोजल हजे भी पेंडिंग रखी बैठा, इसको ही प्यार कर रहा हूँ बस। हेलो, गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सभी का आज के हमारे एक न्यू व्लॉग में। आज मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करने वाला हूँ, नहीं छोटे छोटे लॉट्स, दो तीन लॉट्स से ट्रेड करूंगा। एक स्टॉप लॉस पहला हो जाएगा तो सेकंड ट्रेड करूंगा, सेकंड ट्रेड करके मैं ट्रेड आज बंद करने वाला हूँ। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बाजार, तो निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया है, रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे मैंने एक पुट ले लिया है, बैंक निफ्टी में मैंने एक पुट ले लिया है थोड़ा सा अग्रेसिव होके, बट 80 EMA नीचे है, वो गलती किया हूँ मैं बहुत बड़ा। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का जब 50% रिट्रेस हो गया था ना, यहाँ से इसके नीचे मैंने यहाँ पे पुट लिया था कैंडल क्लोज होने के पहले ही, और यहाँ पे जैसे निफ्टी ब्रेक हुआ, निफ्टी ब्रेक डाउन पर मैंने पुट ले लिया है कैंडल क्लोज होते ही। तो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ है मेरे पास, ये आप देख पा रहे हो, टोटल ये लॉस चल रहा है 3600 रुपये का। तो देखते हैं अभी ये क्या कर रहा है, अभी मैं वेट करने वाला हूँ। बैंक निफ्टी को मैं कब तक वेट करूँगा, जब तक कि इसके हाई के ऊपर, ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज ना हो जाए, और निफ्टी को मैं कब तक वेट करूंगा, ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज ना हो जाए। मैंने जैसे कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना मेरी गलती है, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा आपको, सॉरी यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा आपको, देखिएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नीचे 50 EMA था, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम एक बुलिश कैंडल, और बुलिश कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज नहीं किया था जबकि निफ्टी ने कैंडल क्लोज कर दिया था। तो निफ्टी का ट्रेड बिल्कुल सही था, बैंक निफ्टी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। तो बैंक निफ्टी को मैंने 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस में काट दिया है, यहाँ पे देखेंगे आप तो अप्रॉक्स 5700 रुपये का लॉस हुआ है बैंक निफ्टी में। नेट हमारा 5700 का ही नेट में हमारा, और ज़्यादा लॉस दिख रहा हुआ, 7000 का लॉस दिख रहा है। निफ्टी अभी 1800 का लॉस दे रहा है, निफ्टी मेरा अभी भी चल रहा है। बैंक निफ्टी फिर से अगर नीचे आएगा तो फिर से ट्रेड कर लेंगे, लेकिन लॉस देने वाली चीज़ को होल्ड नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर निफ्टी होल्ड किया था, बैंक निफ्टी भी होल्ड कर लेते, अगर निफ्टी नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी नीचे आएगा, तो मान लो अगर स्टॉप लॉस लग गया, निफ्टी और ऊपर चला गया, तो दोनों में स्टॉप लॉस लगेगा, बैंक निफ्टी में ज़्यादा लॉस हो जाता। दैट्स वाई मैं बैंक निफ्टी को एग्जिट कर लिया, अपने स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना बहुत जरूरी होता है। गाइस यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी SL कटवा दिया, निफ्टी में भी SL कटवा दिया, और यहाँ पे जो मेरा लॉस हुआ है, रब भला करे, 10000 रुपये का लॉस है दो ट्रेड्स में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ट्रेड और करूँगा, आज का दिन समाप्त करेंगे, एक ट्रेड सिर्फ और करेंगे, अगर कुछ सेटअप मिला तो बढ़िया ट्रेड हो जाएगा हमारा, अगर नहीं मिला तो अवॉइड करेंगे। गाइस 2 से 3 दिन से जो मार्केट है जिस तरह से चल रहा है, उस मार्केट के लिए एक लाइन कमेंट बॉक्स में चाहिए, खास करके बैंक निफ्टी के लिए। क्या लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहोगे, एक लाइन लिखिए, शायरी हो, गाना हो, क्या डेडिकेट करना चाहोगे ना। मैं तो कहूँगा ना ये जीने दे रहा है ना ये मरने दे रहा है, अब आप देखो क्या कहना चाहोगे। निफ्टी अभी रुका हुआ है यहाँ पे, ये लेवल ब्रेक डाउन कर रहा है, इसके नीचे ये आना चाहिए। बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो ये आना चाहिए, देखते क्या कर रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो, खत्म करेंगे आज के डे को। ये लास्ट ट्रेड रहेगा, अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ तक के लिए स्कैल्प करेंगे, उसके बाद डे खत्म करेंगे। नो, डोंट ओपन। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, ऊपर ऊपर ऊपर। रुको, ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर ऊपर, जल्दी जल्दी जल्दी। एक पुट में था, अभी अभी जस्ट मैंने पुट काटा और मार्केट जो है 20-30 पॉइंट नीचे आ गया, बट नॉट एन इश्यू, तो ऊपर भी जा सकता है क्योंकि रिजेक्शंस काफ़ी मिल रहे थे मुझे। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार बैक कैमरे से, तो रिजेक्शंस काफ़ी थे, दैट्स वाई मैंने एग्जिट कर दिया। तो अब ट्रेड टूट करना है नहीं, मैंने जैसे कि बताया आपको कि दिस इज द लास्ट ट्रेड, तो मेरा बेसिकली लास्ट ट्रेड था। तो आज का दिन मैं क्लोज करूँगा 1:18 पर ही, देखते हैं अगर कोई सेटअप बना, कोई सिनेरियो बना, लाइव में हम डिस्कस करते रहेंगे। और जो भी हम लाइव में डिस्कस करते हैं ना यार, वो बेसिकली मैं बार बार कहता हूँ कि हम, मेरा मकसद क्या है पता है, लोगों को सिखाना, लोग मार्केट के बारे में समझे जाने यार। US में और अदर कंट्रीज़ में अगर हम देखेंगे, साले इतना ज़्यादा लोग मार्केट के बारे में जानते हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब उनको मार्केट ही पता है, पर हमारे भारत में सेविंग्स मतलब FD पता है। अगर किसी बुजुर्ग को बोला पैसा है, हाँ FD करवाया हुआ है, उनको ये नहीं पता यार इन्फ्लेशन कहाँ से बीट करेगा। तो मेरा मकसद है कि 20 साल आने वाले में, मतलब हमारी जो जनरेशन, हमारे जो बच्चे होंगे ना, वो नफरत करेंगे FD से, बोलेंगे FD मतलब बेकार की चीज़। मैं चाहता हूँ कि बैंक में पैसा रखने के भी बैंक वाले पैसे लें हमसे। अगर हमें बैंक में पैसा रखना है ना, तो बैंक वाले बोलेंगे पैसा रखने का किराया लगेगा, ऐसा टाइम आ जाएगा। सर महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन आप सोचो हमारा पावर कमाई करने का भी बढ़ेगा, ठीक है, एग्री करते हो इस बात से यार। तो ये रिजेक्शन से यहाँ से 50 EMA से बार बार बैंक निफ्टी ले रहा है, और निफ्टी यहाँ पर हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है,
इसके नीचे अगर निकलता है तो देखते हैं। बैंक निफ्टी तो पता नहीं क्या करेगा, तो एक दो लाइन बोल रहा हूँ। मैं किन्ने प्रपोजल मोड़ते बस एक एदे करके, ये मेरा प्रपोजल हजे भी पेंडिंग रखी बैठे। मतलब यार मैंने इतने सारे स्टॉक्स में ट्रेड बने, मैंने छोड़ दिए, मैंने नहीं किए, अवॉइड कर ही गया मैं, लेकिन ये भाई साहब यार समझ ही नहीं रहे मेरी बजाज बातों को। मैं सुबह से इसको ही देखी जा रहा हूँ, बस इसको ही प्यार कर रहा हूँ बस, लेकिन ये मेरी जज्बातों को ही नहीं समझ रहा है। क्या बोलना चाहोगे? सच्चे आशिक हैं हम, देखो सच्चे आशिक हैं, हमें पढ़ रहे हो, हम सच्चे आशिक हैं बैंक निफ्टी के, लेकिन ये हमें भाव नहीं दे रहे हैं। तो बेसिकली पता है क्या चक्कर है, सच्चे आशिक हैं और भाव क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अकेले एक है और इसको चाहने वाले देख लो। गाइस फाइनली आज का स्ट्रीम जल्दी क्लोज कर दिया, और मेरी नानी ठीक नहीं है जैसे कि आपको बताया, और डॉक्टर ने भी काफ़ी रिस्क बता दिया है, तो मुझे एकदम से मूड ख़राब हो गया यार, जाना पड़ रहा है। तो मैं निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं हॉस्पिटल ही, और वाइफ भी वहीं पे है, तो देखते हैं क्या कह रहा है डॉक्टर, मैं बात करता हूँ जाके। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, होप आपको ब्लॉग ठीक लगा होगा आज का, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।